अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और फूडी मोटी ब्लॉगर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा, भले ये वीडियो जब अपलोड होगी तब शायद मे भी ईद के 2-3 दिन गुजर चुके हों, लेकिन ये कि इस दफ़ा हमें सैटरडे और संडे की एक्स्ट्रा एक हॉलीडेज़ मिली हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग पिकनिक प्लान कर रहे होते हैं। आज की वीडियो जो है ना, एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जो भी कैंसर झील जाने का इरादा कर रहे हैं इस ईद पे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। आप लाजमी देखें भाई, इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। और इसके अलावा मुझे आपको ये बात बतानी थी, फूडी ब्लॉगर काफ़ी टाइम से कुछ वीडियोस में हमारा एक गैप आ चुका था। इंशाल्लाह आप दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ रहे हैं। और अच्छा जनाब, ये वीडियो आप गौर से देखें। वीडियो जो है कैंसर झील जाने वालों के लिए स्पेशल, क्योंकि आगे सैटरडे और संडे आ रहा, बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होते हैं। तो कैंसर झील जाने वाले इस वीडियो को गौर से देखें, या हालेजी झील जाने वाले भी इस वीडियो को गौर से देखें। बात यह है जनाब कि कैंसर झील जाने के लिए हम निकले थे और हमने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा है जिसके लिए हम मजबूर हो गए कि हम आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करें। छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ तक तो सब ठीक है, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत सब बेस्ट है, सब चीज़ें सही चल रही हैं। लेकिन आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या हो रहा है। आगे जनाब पूरा रोड जो है ना, वो ख़राब हो चुका है। हम बहुत परेशान हुए, बहुत सारे लोग वहाँ फंसे हुए थे, क्योंकि लोग सबसे कुछ लोग आते हैं। लेकिन जनाब बात यह है कि रोड बहुत ख़राब थे, जगह जगह से रोड टूटी हुई थी और लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही थी, टायर पंक्चर हो रहे थे। वहां पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप अपनी गाड़ी को ठीक करवा सकें। लिहाजा भाई अपनी ज़िम्मेदारी पे आपने जाना है, क्योंकि रोड इंतहाई ख़राब हो चुका है और नोकीले पत्थर हैं हर तरफ। वो मैं आपको दिखाती हूँ, भी आने वाले जो क्लिप्स हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें वाजह दिख जाएंगी कि वहाँ पे क्या हालात है। तो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो इजीली जा पा रही थी, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो बेचारे लोग बहुत परेशान थे, कुछ लोग वापस आ रहे थे। ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये सारा यहाँ पे वर्किंग इनकी चल रही है, इनका काम चल रहा है। रोड टूटा हुआ है और आप ये देख सकते हैं। अब ये मंजर जो है आप अपनी आँखों से देखिए स्क्रीन पर, कि ये हालात हैं इस वक्त कैंसर झील के रास्ते के। अच्छा, साइड रोड एक छोटा सा है, वहाँ से हम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इंतहाई ख़राब है। तो मुझे बस आपको ये बताना था कि भाई अपनी ज़िम्मेदारी पे जाएं और अपनी गाड़ी के टायर वगैरह चेक करके जाएं, एक्स्ट्रा टायर ले जाएं हो सके तो, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने बहुत परेशान देखे। ये सारा रास्ता ख़राब है, इसके बाद थोड़ा सा रास्ता फिर ठीक होता है, रोड ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आगे चलिए मेरे साथ। ये देखिए जनाब, ये सारा जो है ना रोड खुला हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ आके फिर थोड़ा हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला कि चले छोटा सा रास्ता सा कट गया, इतना छोटा नहीं था। लेकिन जनाब ये क्या, दोबारा से वही सिचुएशन, दोबारा से उससे भी ज़्यादा रोड ख़राब हो चुका था। और कुछ लोग तो बाइक्स वगैरह पर भी जा रहे थे और वो बहुत परेशान थे, क्योंकि बाइक वगैरह का जो टायर होते हैं वो इतनी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती ये चीज़ें, तो वो बेचारे साइडों पे खड़े हुए थे। कुछ क्लिप जो है ना वो मैं बनाना आपके लिए भूल गई, लेकिन ये कि इतना भी बहुत है। इसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के बाद, काफ़ी के बाद फिर ये रास्ता थोड़ा सा कैंसर झील के पास करीब आके थोड़ा सा बेहतर हुआ। नहीं जनाब, बस ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बनानी थी। कैंसर झील हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी बेहतर थी, अच्छी थी, तो बर्दाश्त कर गई, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग परेशान थे। तो जनाब ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए जो मैंने बनाई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।